क्यों कर पहचान नहीं क्यों कर मामा के इंसान के पहचान नहीं के। हम लोग को इंसाफ दिलाइए, हम लोग की बहन गई है, हमें बहन के बदले उनको फांसी चाहिए, उन लोगों का सब देखिए ये मांग कर रहे हैं इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक गांव है, एक टोला है, ओरमा टोला, नावका टोला बोल सकते हैं। और यहां पे एक लड़की का घर है जहां से एक घटना आ रही है कि उस लड़की का इंतकाल हो गया है, मौत हो गया है। लड़की का मायके का घर है और यहां से शादी हुआ था दुरौंदा ब्लॉक में, और 5-6 महीना शादी हुआ है, और 5-6 महीने के बाद उस लड़की का यानी कि दहेज के मामले में ये मामला आ रहा है कि दहेज के लिए लड़की को मार दिया गया है। यहाँ पे कुछ परिवार के लोग हैं, यानी कि लड़की का जो घर है ये मायके है, मैंने पिताजी का घर है, माँ का घर है, और यहाँ वो लड़की का घर है, और यहीं से खबर आ रही थी और मीडिया चैनल पे चल रहा था, तो हम हमारी टीम पहुँची है तहकीकात करने के लिए। और हो सकता है कि धुरंधर ब्लॉक में जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ भी हमारी टीम पहुँचेगी। आइए हम बात करते हैं, ये घर है, ये परिवार के लोग हैं और माता जी इनकी ना माई है यहाँ के। देखिए ये लड़की, ये लड़की की माँ है, और धुरंधर ब्लॉक में जहाँ शादी हुआ था, पकड़ी गांव था वहाँ शादी हुआ था, और यही घर है ना, ये घर है, और उस लड़की का माँ यहाँ पे है, दादी है, यह है ना, यह है। तो पहले माई से बात करते नहीं कि कब यहाँ के सुनवी का मामला बात कहते आई बात करने का कौन कौन हम हमने के सच्चाई की बात जाननी चाहते हैं कि क्या बात बताएं। तो 4 बजे फोन हुए, हाँ शाम काल, हाँ शाम के 4 बजे फोन हुए, दिलीप कहतारन जे थी हमारे छोटे लड़का के लग फोन हुए, कहतारन जे थी कहाँ बाड़लू तू कहन जे घरे बानी सन, आ तो का बात हो आ तो अथी जल्दी आवल लो से थी तेरा बहन के तबीयत खराब बाटे, तो वो कहे जे का वो ससुर तो लगी नाम करला ललिता देवी, ललिता देवी के ससुर ना, हाँ हाँ तो ई कहुआन जे थी का भइल बाटे बताओ, आ तो आवलो ना से थी तबीयत खराब बा, तो हुसैनगंज भर्ती कर ले बानी से हॉस्पिटल में। अच्छा, लड़का हमारे दू जना सुनुए लो वही बेरा दौड़ल गवे लो। अच्छा, गवे लो तो कुछ दूर चल गवे लो तो फिर फोन कह कहता सन का कि ना घरे आवलो, से घरे लेके आयल मैंने दुए जना आवलो, तो लड़का हमारे ना गवेलू वही से लौट हुएलो घरे, बाद में पता चलू जो हमारे लड़की नहीं थी। अच्छा, छोट ना ना पाँच महीना मैंने अभी शादी भैल 5-6 महीना, कितना दहेज दे रहे पैसा कितना दे रहे दहेज बहुत दिले बानी सब बेच बिकिन के दे दिले बानी दमाद रहला का करते वो बाहर आयला काम करेला काम है तो माने का मामला होता के तरह लड़की के इंतकाल भइल बा मौत भइल बा ई लागे इधर बकर बहिन बिया के कर लड़का के बहिन बिया, हां लड़का बाटे, हां ओकर माई बिया, हां ई तीनों चारों मिल के, हां हमरा लड़की के मुंह ले बा से टॉर्चर उनको कर। अच्छा देखिए यहां पे एक और लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और क्योंकि लड़की का मामला जो आ रहा है लड़की से दर्द समझ सकती है, तो कहने का मतलब है कि जो मामला आ रहा है यहाँ की लड़की है और शादी हुआ था, तो इनसे बात कर। क्या नाम पड़ेगा आपका? फूल कुमारी। तब पढ़ती हुई थी ना जी, और सहेली भी उनकी थी? नहीं मेरी बहन है। अच्छा बहन है ना, छोटी बहन आप? जी छोटी बहन। बड़ी थी आप? छोटी थी। मेरी मामा की लड़की है। अच्छा तो क्या मतलब मामला बताइए। तो मामला ही है दहेज के लेकर के बहुत मांग किया था लो, ये दिया भी है लो, और समय मांगा लो थोड़ा सा और 10 समय हमको दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद से आज ही आने वाली थी घर, कल शाम को ऐसे कर दिया लो, कल दिन भर बात कराया है लो 2 बजे तक, 2 बजे के बाद सब दहेज के लिए मार दिया, तो पैसे मिलेगा उसको? अब वही जानता, आप लोग FIR दर्ज कर चुके हैं थाना में? सब हो गया है। भाई मेरा सरकार लिया था जो हम ला कर आपको देंगे पैसा देंगे, हाँ पैसा, फिर भी मार दिया लो। तो इसके आपकी बहन को मारने के मतलब कौन कौन किसका किस हाथ है? पूरा फैमिली का है, पूरा फैमिली का हाथ तो उनका हस्बैंड का है। क्या करते थे हस्बैंड? उनका हस्बैंड बाहर रहते हैं। कौन काम करते थे वो? ड्राइवर है। ड्राइवर थे। आपकी बहन कितने पढ़ी थी? इंटर की हुई है। इंटर की थी जी। तो आप मतलब शादी कब हुआ था? शादी यही 5वां महीना में 10 का तिलक था, 14 का बारात।
आप कभी बात करती थी इधर, मतलब इधर 4 दिन पहले 5 दिन पहले बात हुआ? हाँ, बात हुआ। क्या बोले? ऐसा बोलती थी जो दहेज के लेकर के हम लोग को टॉर्चर हमको कर रहा है, मांग रहा है, हमेशा उसकी ननद है सास, हमेशा उसको मारते रहती थी, गाली देते रहती। तो आपका जो जैसे बात करती थी तो कभी रिकॉर्डिंग की है मोबाइल वाले? नहीं, ये रिकॉर्डिंग हम नहीं किया है, यहाँ पे हम गलती किए हैं, सॉरी, हम रिकॉर्डिंग नहीं किए। पता नहीं था यहाँ पे वहाँ की ईया बनी, ईया के दर्द बहुत होला ज्यादा, क्योंकि जितने भी परिवार के लोग होते हैं सबसे दर्द होता है दादी के, क्योंकि दादी बहुत रोला के क्या कहें, राहुल दहेज दिए रहे, क्या प्रशासन ने मांग करे, हम बतेलो नहीं आज 10 दिन पहले 20 दिन पहले बतेलो नहीं वहाँ से, वो दिन है बतियो निकाल है पूरे। हाँ, कल बते नहीं, कल है बतियो नहीं, घाट से वही नहीं तो फोन कोई ले रहा नहीं, तो बतियो नहीं तो कर जे या नहीं, मन हम बार नहीं, सब कोई के समाचार हो जी पूछा नहीं तो सब कोई ठीक बा है ना, बाद में 3 बजे आवता है जब अपनी के तबियत खराब है, ओकरा बाद को हतर सन जे कुली आदमी आवे लगन भेंट कर लगन, तो कहनी सन जे बबनी हमर नहीं के तो गाड़ी कह के गई बाबू आए थे उनके परिवार में कोई भाई हैं थोड़ा उनसे जानते हैं, ये देखिए इनका हालत बहुत बुरा हो गया है, हम चाहेंगे कि सच्चाई मिले ताकि उस व्यक्ति लोग को उस परिवार को सज़ा मिले, थोड़ा यहाँ पे आइए आप गए थे क्या साथ में आप? अच्छा आइए, इनके भाई हैं, आप गए थे उनसे मिलने के लिए, क्या आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार। विष्णु जी, मतलब कब पता चला आपको कि घटना घटा हुआ है? बोला है लो पहले कब? हसनपुरा 3 बजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम्हारी बहन का सीरियस तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा, कल? कल 3 बजे शाम को। हाँ हाँ, हसनपुरा गए तो बोल रहे का घर पे आइए। हाँ, तो बोले क्या हुआ है पहले बात कराइए। हसनपुरा? हसनपुरा ब्लॉक है, वो बोले धुरंधर ब्लॉक है, उन लोग का हसनपुरा ब्लॉक है, हसनपुरा थाना उन लोग का पड़ता है, MH हसनपुरा। अच्छा, धुरंधर ब्लॉक पास में है? हाँ। कौन गाँव है? डीबी पकड़ी। अच्छा, हसनपुरा से जो कटता है रास्ता उधर? धुरंधर से रास्ता जो कटता है। अच्छा अच्छा, तो ये आप गए हैं उनसे मिलने के लिए? सुनिए ना, हेलो बता दीजिए, खोल के बताओ मत। जब आप गए थे ना, आप जब गए उनसे मिलने के लिए तो आपकी बहन मतलब इंतकाल हो गया था? हाँ। तो उनके कुछ गर्दन उधर में जहाँ कहीं भी चोट लगा था? यहाँ पे काला सा हुआ था, यहाँ पे भी काला सा हुआ था। हाँ, हाँ। का बुखार लगा है, हाँ, मोबाइल में है, काला सा हुआ था ना। हाँ, तो देखिए सीधी मामला रहा है, इनके भाई हैं, वो लड़की का ललिता नाम था और ललिता देवी का भाई है और मौत हो गया है, और देखिए यहाँ पे है, देखिए ये देखिए गला में इनका लगा हुआ है, ये गला में ये चोट लगा हुआ है, गला में ये लग रहा फांसी लगा दिया है ना, पूरा मुंह फूल गया है, नस्ले वाले लो मरले वाले ना, ये गाल पीठ पर निशान है, पीठ है। हाँ है सब, देखिए बहुत ये दर्दनाक घटना है, उस परिवार को सजा मिलना चाहिए। और यहाँ की बेटी है ओरमा नगर डोला सिवान जिला सिवान सदर की बात करते हैं, यहाँ की बेटी है और शादी हुआ था 5-6 महीने पहले, मान के चलते 5-6 महीने पहले शादी हुआ था, 5 महीने पहले। कार्ड भी है हमारे पास, कार्ड भी है, देखिए कार्ड, ये देखिए ये कार्ड भी है, ये शादी के कार्ड भी है आपको, देखिए शुभ तिलक हुआ था 10/5/2022 को दिन मंगलवार था, और काठा मोतकोर था 14/5 को, और शिव विवाह होता 14/5/2022 को, यानी कि इसके जो आयुष्मती कुमारी ललिता यानी कि हरेंद्र पंडित के इनके पिताजी स्वर्गीय हो चुके नहीं है, उन्हीं की लड़की है, और जो आकाश कुमार इनके हस्बैंड का नाम है, दिलीप कुमार उनके पिता का नाम है, और पकड़ी टोला पोस्ट मधुबल महाल थाना MH नगर हसनपुरा जिला सिवान बिहार। तो ये घटना आ रहा है धुरंधर ब्लॉक से होकर रास्ता जाता है, लेकिन MH नगर हसनपुरा में उनका ब्लॉक पड़ता है, तो ये बड़ी मतलब दुखद घटना है कि एक लड़की को दहेज के लिए मार दिया गया है, और पैसा के लालची में है, पैसा के लालची है सब, पैसा के लालची बड़ा सन, हमारे बहन के मुँह दिला सर, बहन के हमारे मुँह दिला सर, उसका नंबर लग रहा है आपका, आप जो नहीं उठा रहा सर, नंबर लगा नहीं खसन फोन उठा हुआ थे, आप लोग थाना में एफआईआर कर दिए हैं? हाँ, थाना में एफआईआर कर ले भाई, क्या बोले थाना? पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम के लिए आए थे लोग थाना 12-11 बजे रात को, लेकर आए लो सिवान, तो थाना लिख के दिया कि 10 बजे सुबह अथी होगा पोस्टमार्टम। हाँ।
तो ये सब अच्छी पैसा दे के 7 बजे पोस्टमार्टम कर दिया सब हाँ। जाने से पहले गाड़ी पर लात के लेके भाग रहा था सब गायलो तो पकड़। अभी सुनिए जैसे बॉडी कहाँ है? बॉडी हसनपुरा थाना में है। थाना में भी है हाँ। तो यहाँ पे हुआ बॉडी मतलब तो उसको क्रियाक्रम नहीं लेके गए लो घर पे वो सब करेगा सब हाँ वो सब करेगा सब हाँ। क्या बोल रहे हैं सब? पैसा के लालची है सब, पैसा के लालची बाढ़ सब पैसा का। थाना नहीं गया भाग गया सब, घर पे कोई नहीं है तो भाग गया तो फिर उन लोग जो काम कौन करेगा, क्रियाक्रम कौन करेगा? कोई नहीं है, वही तो हमारी बहन को ले जाके बिक देगा वैसे ही, कोई नहीं है घर पे नहीं जाने दे रहा ले। नहीं जाने दे रहा ले। क्या कहें हम लोग जाकर का करेंगे वहाँ? उनका बड़का बाबूजी आया था यहाँ साथ में। ए परिवार से क्यों नहीं गए? अकेला बोला रहा था दोनों भाई के करा, दोनों आदमी अकेले आई है कैसे मार दिए सुने, इतना ताकतवर बरसा होंगे। नंबर है, नंबर दीजिए उसको बात करते हैं। तो देखिए घटना रहा है और हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये लड़की का मामला है जो कि दहेज के मामले में इस लड़की को पीड़ित करके मार दिया गया, यानी फांसी लगाकर। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में फोटो भी है, लड़की का जो फोटो आ रहा है कि यहाँ पे पूरा रेघारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं रस्सी का अच्छा किसी से वो निशाना है और नुचले बन लड़ाई घर पर ना वो हम अथी है ना लड़की लड़की के मामी हैं। मामी है घर का मामा तो देखिए ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से मामला को वो जल्द से जल्द तहकीकात करे ताकि इस पे कार्रवाई हो सके। और हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के सिवान सदर ब्लॉक में, एक पंचायत है ओरमा पंचायत ना, ओरमा नौका टोला टोला है और यहीं पे देखिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और हमारी टीम पहुंचेगी वहां भी। पकड़ी जो गांव है डीबी पकड़ी जो है, जहां की लड़की यहां की है लेकिन शादी वहां होता है, उसका हस्बैंड का घर है और वहां पे हम जानेंगे उस सब का तहकीकात करेंगे कि वो क्या किस तरह से इन लोगों को मारा है और क्यों इस तरह से घटना घटा हुआ है। हमारी टीम पहुँचने वाली है, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ जी। बुलेट भी दिए हैं, बुलेट भी दिए, बुलेट भी दिए हैं दहेज में, सब सामान दिए हैं। सामान रखने की जगह नहीं, घर के बाहर सामान रखा है सब, इतना सामान दिया है सब। इतने शादी कर देखिए, हम कहेंगे समाज से कि आप लोग देख देखते ही करते हैं, इसी तरह शादी कर देते हैं। एथी कौन है, मैं क्या बोलते हैं उसको, अगुआ, अगुआ को मारना चाहिए। कहाँ अगुआ? अगुआ नहीं है, मामा ही लगेंगे। तो मामा हम देखो हमा सुत मामा उंगरा उंगर तहजीब नहीं थी, उंगर पहचान नहीं थी, उंगर मामा के इंसान की पहचान नहीं थी। हम लोग को इंसाफ दिलाइए, हम लोग की बहन गई है हाँ। हम बहन के बदले उनको फांसी चाहिए, उन लोग का सबको फांसी। देखिए ये मांग कर रहे हैं, इनकी इनकी बहन थी ललिता देवी और आज इंतकाल हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का फांसी होना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति इस तरह से व्यक्ति को ना करे और दहेज के लिए पीड़ित कर महिलाओं को लड़कियों को शादी करके गुमराह करके उसे पीड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है और जिला प्रशासन को ये ध्यान में रखते हुए उस लोगों को छानबीन करना चाहिए और लोगों को सजा दिलाना चाहिए। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज की टीम पहुंची है सिवान सदर ब्लॉक नगर टोला ओरमा। ननद कहते हैं कि का मिला है, का तुमको बात बाप का है, लाते हाथे मारते है, कुछ कुछ दे तुमको मुआ दे निकाल दो करते हाँ। वो बीमारी हमें ननद बेटी के लगा रहा है, कुछ करता है कैसे, उसके हाथ से हटिया है।